बड़ा फैसला सुशांत सिंह मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी हैं। तिवारी जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि इस पर लंबा दौर चला, आप लोग लगातार मांग करते रहे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अड़ी रही। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के तीसरे दिन में पटना स्थित उनके आवास पर गया था, उनके पिताजी से मुलाकात की थी और परिवार का उसी समय मन था कि इसमें उच्च स्तरीय जाँच हो, न्याय हो, सत्य की पता चले। और आज का दिन बहुत सुकून देने वाला है। मैं समझता हूँ मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो इस देश में बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं, किसी राज्य की सरकार चाहती है तो सत्य छुपा लिया जाता है, वो चाहती है तो अपराधी को भी बरी कर दिया जाता है। लेकिन ये देश में सुप्रीम कोर्ट न्याय जो कुछ है वो आज फिर से एक बार बहुत सुकून दिया है। और जितनी कोशिशें हुई हैं सुशांत सिंह राजपूत के हत्या को, उसके अपराधियों को छुपाने के लिए, उन लोगों की आज पराजय हुई है। और निश्चित रूप से पूरे देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व का जो न्यायप्रिय व्यक्ति है वो आज भारत की न्याय व्यवस्था को धन्यवाद दे। अगर आप दो तरह के बयान हैं, शरद पवार के परिवार से अलग बयान है, सत्यमेव जयते कहते हैं, संजय राउत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा शुरुआत से ही इसको राजनीतिक मामला बनाया गया। ये राजनीतिक मामला है ही नहीं, पता नहीं संजय राउत जी को ऐसा क्यों लगता है। देश का इतना बड़ा सितारा, उसकी मौत रहस्यमय है, उसकी लगातार साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, तो इसमें तो महाराष्ट्र सरकार को खुद ही आगे आकर के इसको टेकअप करना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि नॉट अ सिंगल स्टेप, महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा कोई गंभीर कदम नहीं उठाया जिसमें बता सके कि इस केस में न्याय के पक्ष में है। और ये टिप्पणी छोटी नहीं है, तो इस यहाँ तक आने के लिए इसमें राजनीतिक क्या था, ये सब कुछ न्यायिक था, इसको राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। तो अब आप लोगों को भरोसा है कि जो लोग साजिश में जुड़े हुए हैं सब बेनकाब होंगे, चाहे सरकार में बैठे लोग हों या कोई हो? देखिए, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय होने से मतलब है। उसके सारे साक्ष्य अब इकट्ठे होंगे, फिर से सीबीआई को पूरा अधिकार दिया गया, जरूरत पड़े तो फिर से FIR करें। और इसमें अब हमारी यही चाहना है कि इसमें महाराष्ट्र पुलिस जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पूरा सहयोग करे, दूध का दूध पानी का पानी हो, पूरा विश्व इंतजार करे। अंतिम सवाल, जैसे संजय राउत कहते हैं कि अगर इस्तीफे की बात होगी तो इस्तीफे की बात दिल्ली तक भी जाएगी, इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना लंबा क्यों सोचने लग रहे हैं। बात सुशांत सिंह राजपूत के केस की है तो इसमें कहाँ से इस्तीफा आ गया। तो मनोज तिवारी ये मान रहे हैं कि जो प्रयास था सब लोगों का वो कामयाब रहा और अब CBI जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।